चले 48 एनपीओ का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो सर सबसे पहले क्या चाहते हैं? मैंने बोला देखो यार, अगर आपकी वाकई में इच्छा हो तो आप सिस्टमेटिक एक करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बना लो। अगर ढंग से बात करूं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, तो इस तरफ आपकी क्या आ जाएगी? अगर मैं बात करूं तो इस तरफ आपके पास इनकम आती है और इस तरफ एक्सपेंडिचर आता है। मैं एक चीज से काफी वाकिफ हूं कि हमेशा यहाँ पे लिखो बाय सब्सक्रिप्शन और प्लस आप लेके चलेंगे आउटस्टैंडिंग एट व्हाट एंड माइनस क्या, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग प्लस एडवांस एट बिगिनिंग माइनस एडवांस एट एंड माइनस व्हाट एडवांस एट एंड। चले इसी के पास में सर आप क्या चाहते हो? मैं बोलूंगा यार दोस्तों इसी के पास में एक बैलेंस शीट ले लो, क्योंकि हमारी फर्स्ट स्टेप बैलेंस शीट से शुरू होती है। तो सर बैलेंस शीट कैसी? मैंने बोला देखो यार, एक ओपनिंग बैलेंस शीट होती है और एक आपके पास क्या होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो अगर अपन यहां पे आपके पास क्या हो गई, ओपनिंग बैलेंस शीट देन आपके पास क्या हो गई, क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक आपके पास क्या हो गई, ओपनिंग बैलेंस शीट, और सेकंड आपके पास क्या हो गई। सर स्टार्ट ही क्वेश्चन यहां से होता है, फर्स्ट स्टेप होती है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं कैश और बैंक का दोनों का दिया हुआ है, तो बताओ कैश और बैंक कितने कितने अगर अपन लेके चले। तो 40,000 आपके पास कैश है और 1,55,500 आपके पास क्या है, बैंक। सर क्लोजिंग में कितना है? मैं बोलूंगा देख क्लोजिंग में कैश है तेरे पास 30,000 और बैंक कितना है, 82,000। तो ये 30,000 और फिर कितना, 82,000। सर ये भी सही है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट अपना टारगेट बताए किस पे, सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन का सब जोड़ जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 2,82,000। कितना आ रहा है, 2 लाख। इसमें से एक माय हार्ट इज बीटिंग, इसका मतलब क्या, एडवांस एट एंड। तो क्या सर कुछ एडवांस एट एंड है क्या? मैंने बोला देखो यार एडवांस एट एंड गिवन है कितना, 5 है, तो 5,000 रुपये क्या होंगे माइनस। ठीक है, अगर अपन एडजस्टमेंट देखें तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, मतलब साल के बिगिनिंग में बकाया कितना था और साल के एंड में कितना बकाया है, 15,000। सर ठीक है, इसके अलावा तो सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो साल के एंड में बकाया है 15,000, साल के बिगिनिंग में कितना बकाया था, 20,000। तो सर अपन अगर पूरा हिसाब किताब लगा ले तो यहाँ पे शायद आना चाहिए 2,72,000। 2,72,000 सर, इसको ठिकाने लगा दे क्या? मैंने बोला हाँ, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग सब्सक्रिप्शन, सॉरी आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग तो उस तरफ आता है, तो क्योंकि AALL खेलते ना अपन, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कौन सा, सब्सक्रिप्शन कितने का है आपका, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड कितना है आपके पास, 15,000, और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड कितना है आपके पास, 5,000 रुपये। सर ठीक है, मतलब बात तो सही है। खैर अगर अपन बात करें और सिस्टमेटिक समझें तो सर बातें तो खैर यहाँ की सही है अगर अपन बात करें। अब अपना नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट। 31 मार्च सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी थी, 6,000, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको गिवन है कितनी, 6,000। तो सर ये कहाँ पे जाएगी, एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी और एक यहाँ पे जब आप सैलरी लिख रहे होगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ पे टू सैलरी लिख के उसी में क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगी, ऐड हो जाएगी कितनी, 6,000 रुपए। ठीक है,
चाहो तो सैलरी भी देख लो, मतलब सैलरी ऊपर 36,000 है, तो 36 प्लस 6 कितना हो गया आपके पास 42,000। सर वन मंथ रेंट वॉज पेड इन एडवांस, तो बता रेंट पे कितना करा है? अगर मैं बात करूं इसका मतलब रेंट पे करा गया है 13 मंथ्स का, तो 13 मंथ्स का रेंट पे कर दिया है जो कि है कितना 65,000। कितना है? क्योंकि एक महीने का एडवांस में पे कर दिया, मतलब आपने साल भर में 12 महीने का रेंट पे करा कि 13 महीने का रेंट पे करा? 13 महीने का रेंट पे करा, तो इसमें से मतलब एक महीने 13 महीने का 65, तो एक महीने का कितना हो जाएगा वन मंथ, सर एक महीने का हो जाएगा कितना 5,000। आपने क्या करा 65 डिवाइड बाय क्या करा 13, तो कितना आ गया 5, तो वो आपका कौन सा रेंट हो गया प्रीपेड रेंट, कौन सा रेंट हो गया, तो प्रीपेड रेंट माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 60,000। सर क्या प्रीपेड रेंट हमारा एसेट होता है? मैंने बोला हाँ यार दोस्तों प्रीपेड रेंट हमारा एसेट होता है, तो हम इसको यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रीपेड रेंट कितना 5,000 रुपए। सर अगर अपन बात करें ऑन 1st अप्रैल सोसाइटी के पास फर्नीचर था 120 का और बुक्स थी, अगर बात करूं फर्नीचर था 120 का और बुक्स थी 50,000 रुपए की, तो ये यहाँ पे लिख दिया। सर क्या सारी एडजस्टमेंट खत्म? मैंने बोला हाँ दोस्तों एडजस्टमेंट के बाद जो अगला अटैक होता है वो अगला अटैक आपके रिसिप्ट साइड पे होता है, तो सर रिसिप्ट साइड पे फोकस कर लो। गिवन है लीगसी, तो सर लीगसी कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे। लीगसी का मतलब होता है किसी ने अपनी विल के थ्रू आपको बोल के रखा है कि मेरे मरने के बाद 12,500 इस संस्था को दिए जाए, तो लीगसी आफ्टर डेथ मिलती है आपको। गवर्नमेंट की ग्रांट मिली है, कितने की मिली है ग्रांट? 1,20,000। हम अटैक कौन से ऐड कर रहे हैं? रिसिप्ट साइड कौन से ऐड कर रहे हैं? रिसिप्ट। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 50,000 का था, 37 में बिका, तो अब इसको आप लिखोगे लॉस ऑन से, मतलब डेबिट साइड में 50 का था ना, बिका कितने में 37, तो अगर अपन 50 का था और 37 में बिका, तो अब इस तरफ लिखोगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना हो गया तुम्हारे पास 13,000 रुपए, 50,000 का था और 37,000 में बिका, 50 का था और 37 में बिका। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना 4,500। इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा कि आप अब आ जाओ पेमेंट साइड। सर पेमेंट साइड पे क्या गिवन है? जनरल एक्सपेंसेस, क्या गिवन है? कितने के हैं जनरल एक्सपेंसेस? 32,000 डाल दूं क्या? चलो फिर क्या है? न्यूज़पेपर कितने का है? तो सर न्यूज़पेपर है आपके पास कितना 18,500। फिर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। सर इलेक्ट्रिसिटी कितनी आपके पास? 30,000। अभी यहाँ पे मजा आएगा, एफडी बनी आपकी, एफडी कितने की? 1,80,000, वो हमारी एसेट है ना कि हमारा खर्चा है, तो अगर आपकी एफडी बनी है फिक्स्ड डिपॉजिट बना है 1,80,000 और उसकी डेट भी गिवन है कि कब बना है 30 सितंबर को, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, बहुत सारी कैलकुलेशन समझिएगा जरा। अगर 1,80,000 की एफडी बनी, सर बनी कब? 30 सितंबर को, तो क्या इस पे ब्याज मिलना चाहिए? हाँ 10%। कितने साल के लिए? आधे साल के लिए, सितंबर से लेके, तो 1,80,000 का 10% कितना हो गया 18,000, और उसको 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 9,000 रुपए। तो अगर मैं बात करूं और सिस्टमेटिक बात करूं तो आपके पास इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था? 9,000 मिला। कितना है? 4.5। मतलब क्या बाकी 4.5 बनता है, उसको बोलेंगे अपन अक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? बनता तो है पर अभी तक मिला नहीं है, मतलब लोगों से लेना बाकी है, तो सर यहाँ पे आ गया आपके पास अक्रूड इंटरेस्ट। तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना हो गया आपके पास? 4,500। हाँ आधे साल के तो 9,000 बन रहा है, 1,80,000 का 10% 18 होता है, और 18 का आधा कितना होता है? 9। तो 9,000 में से 4.5 तो मिल गए,
साढ़े चार बाकी हैं, मतलब ये हमारा क्या हो गया एसेट, क्या हो गया हमारा कि लोगों से पैसा लेना बाकी है। सर इसके अलावा फिर आपने क्या खरीदी, मतलब बुक्स, अभी देख बुक्स स्टार्टिंग में भी थी और बुक्स एंड में भी थी। स्टार्टिंग में कितनी बुक्स थी, 50, और बुक्स कितनी खरीदी, 30। तो सर टोटल बुक्स बैलेंस शीट में कितनी दिखाओगे, 50,000 प्लस कितना, 30,000। सर 70 खरीदी, 70, 50 प्लस 70 कितना हो गया, 1,20,000। नेक्स्ट क्या है, सैलरी डाल चुके हैं, सैलरी रेंट भी डाल चुके हैं, अभी क्या बचा, पोस्टेज, कितना बचा पोस्टेज अगर अपन बात करें तो। सर पोस्टेज आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3,000। सर फर्नीचर परचेज कितना करा, तो फर्नीचर परचेज हो गया आपका 1,05,000, कुछ साल के स्टार्टिंग में भी था क्या, 1,20,000 का। सर साल के स्टार्टिंग में भी था फर्नीचर कितने का, 1,20,000 का। इस पूरे क्वेश्चन को समझेंगे तो देखो फर्नीचर स्टार्टिंग में भी था और फर्नीचर क्या है मैं एंड में भी था, तो सर बात तो सही है, मैंने बोला हाँ बात तो खैर सही है। तो यहाँ पे आप लिख दो फर्नीचर कितना, अगर मैं बोलूं तो 1,20 प्लस 1,05 तो कितना हो गया, 2,25। क्यों 2,25, क्योंकि ऊपर था 1,20 और खरीदा कितना 1,05। तो सर क्या ये बैलेंस शीट पूरी हो जाएगी यहाँ पे, यस। यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एट बिगिनिंग, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा कैपिटल एट एंड, इस तरफ का टोटल करो उसमें से ये माइनस करो फर्नीचर, ओ यस फर्नीचर जो सेल हुआ है वही माइनस होगा, तो इसमें से फर्नीचर 50,000 का बिका है, तो फर्नीचर यहाँ पे 1,20,000 की जगह, अगर मैं बात करूं 1,20,000 की जगह 2,00,000 का है, कितने का 1,00,000, क्योंकि 50,000 का फर्नीचर बिका भी तो है। चेक करो टोटल कितनी आ रही यहाँ की, 1,00,000, ये आ रही है 1,98,000, ठीक है। चेक करो एक बार और इस तरफ टोटल कितनी है, 272, 4,13,500, यहाँ पे 198,500 है, तो अगर ये 198,500 है और अगर ये 4,13,500 है तो यहाँ पे तुम्हारा सरप्लस बुक से मैच कर रहा है जो कि ये 2,15,000। चेक कर लो एक बार,